नमस्कार बच्चों, आज मैं ये वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए पुनः बना रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत मैं लेके आया हूँ न्यूमेरिकल, कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स इसके लगाने के कई सारे तरीके होते हैं। एक रास्ता तो ये है कि सबसे पहले वी हैव टू लर्न ऑल द फार्मूलाज, एंड आफ्टर दैट द सेकेंड मेथड इज द कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जैसे आपके दिया हुआ ग्राफ बेस पर। अगर इस बेस पे आ जाता है तो आज मैं इसके लिए बताने आ रहा हूँ एक बिल्कुल नया रास्ता, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा बिना किसी नए फॉर्मूले को याद किए हुए। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, हमको सिर्फ उन फार्मूलों को यूज़ करना है जो अब तक हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। जैसे आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में एरिया निकालना। एरिया हर चीज़ का अलग अलग है, वर्ग है तो वर्ग का हो जाता है साइड इंटू साइड। अगर रेक्टेंगल है तो डैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम डैट मीन्स हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, तो समांतर भुजाओं का योग गुणन के बीच की दूरी बटे दो। त्रिभुज है तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ना एक बटे दो आधार गुण ऊंचाई। तो आइए शुरू करते हैं हम ग्राफ के बेस पर जो आधारित है न्यूमेरिकल। देखिए एक ये फिगर दिया हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन में कि चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, फिर बी से सी तक जाने में किया गया कार्य, फिर कह रहा है पूरे चक्र में किया गया कार्य। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कह रहा है ए से बी तक जाने में कार, ए से बी तक। क्वेश्चन फिर देखिएगा, एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है आपको ए से बी तक जाने में निकालना है कार। तो क्या करेंगे, ए से कर देंगे बिल्कुल डायरेक्ट डैश, मिला देंगे इसको नीचे। ध्यान रखिएगा, जो इसका नीचे की ए से क्या करेंगे, मिला देंगे बिल्कुल नीचे आधार पे डायरेक्ट डैश, और बी से बिल्कुल डायरेक्ट डैश मिला दिया हमने नीचे। ओके, सपोज डेट ये आपका इसमें ना भी किया होता, ये आपको निकालना है ए से बी के बीच में। ठीक, तो क्या करेंगे, ए से बीच ये ले आए और कहाँ मिला दिए, बिल्कुल नीचे बी वाली लाइन लाए नीचे। ओके, और इसको मिला देंगे, ध्यान रखिएगा ये अब ए से बी के बीच। ठीक, आपको निकालना है ए से बी के बीच। तो ये आपका जो बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, पूरा एक आयत, ये ना लदी आपका क्या ये बन रहा है, एक आयत। ठीक, आयत के लिए क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये ना आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे निकालना आपको ए से, सॉल्यूशन ए कर दीजिए, बी तक में कार, W निकालना है हमको वर्क, लेकिन हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, मैं चैलेंज करूंगा कोई सभी सवाल आप लगाएं और कोई सभी आंसर आपका चेंज नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फिगर दिया होगा उसको देखेंगे क्या बन रहा है, फिर उसके हिसाब से लगा देंगे उसका एरिया का फार्मूला, आंसर खुद ब खुद आएगा। ठीक, निकालना वर्क हमको, तो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, देखिए एक पैर इसका डी पर है और एक सी पर, ये ना नीचे, तो एंड डैट में सिक्स में से टू गया फोर। ध्यान रखिएगा दोनों का अंतर ले रहे हैं, भाई मैं ही खड़ा हूँ, मेरा एक पैर इधर है एक पैर इधर, तो जो बीच की जो दोनों पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो होगा। ओके, सिक्स में से टू गया कितना बचा, फोर, और ये लेंथ पूरी कितनी हो रही है, जीरो से फिफ्टीन। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि वैल्यूम है लिखा हुआ लीटर में, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो ये होता है कि एक लीटर बराबर होगा 10^-3 मीटर क्यूब, राइट। तो यहां इसको कर सकते हैं 10^-3। अब आपका है 15^4=60 × 10^-3, या कह सकते हैं 6 × 10^-2 जूल, राइट। ये आपका आ गया है आंसर, आपका आ गया है
सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टू जूल, ओके, सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टू जूल। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं दूसरा बी से सी तक, ध्यान रखिएगा हमको निकालना बी से सी, लिखेंगे बी से सी तक में, बी से सी, इसको हटा दीजिए सेकेंड पार्ट, आपको निकालना बी से सी, बी से सी। ध्यान रखिएगा कि जब कभी एक लाइन बिल्कुल सीधा सीधा आ जाए, इट मीन इसमें क्या हो रहा है, बी से सी एक सिंपल लाइन, सीधी लाइन है, इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं जीरो। कैसे बता दीजिएगा, चूंकि इसमें आयतन आपका स्थिर है, ठीक, तो बी से सी सीधी लाइन, भाई आयतन में तो कोई आपको फर्क नहीं आ रहा है ये ना, तो लिखेंगे बी से सी में वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। यहां लिख देंगे चूंकि आयतन स्थिर है, आयतन स्थिर है, ओके। जब कभी एक सीधी लाइन में वर्क निकालने को आ जाए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। आइए भाई शुरू करते हैं, इसका थर्ड पार्ट है, देखिए कह रहा है कि आपको निकालना है पूरे चक्र में, तो पूरे चक्र में कार अगर हमको निकालना है तो पूरे चक्र में कार हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरे चक्र में डैट मीन्स ए से चले बी सी डी और वापस आ गए ए पर, ये ना, ए से चले बी सी डी घूमते हुए ए पर, डैट मीन्स ये आपका एक जो फिगर बन रहा है इसको आप रेक्टेंगल मान लें, स्क्वायर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। और आइए देखते हैं इसके साइड निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कि डब्ल्यू डब्ल्यू कितना होगा, इसका भी एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, पूरे चक्र में ए से चले बी सी डी होते हुए ए पर आ गए वापस, ठीक। तो कर दें लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है सी डी, डैट मीन्स एक पैर इसका सी छः और डी कितना है दो, छः में से दो जाएगा फोर, फिर कितना टेन की पावर माइनस थ्री, क्यों, क्योंकि लीटर में हमको बनाना है मीटर क्यूब। ब्रेथ मान लीजिए 15, दूसरा कितना है ये 6, ये ना 15 में 6 जाएगा 9, डैट मीन 36 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इतने जूल। कोई परेशानी, सिंपल सा है, सबसे पहले हमको फिगर देखना क्या बन रहा है, देन इसमें देखेंगे कौन सा ये इसका हमको एरिया का सूत्र इसमें लगना है, सूत्र लगाइएगा आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। बच्चों क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिगर बना हुआ है और कह रहा है कि इस फिगर की सहायता से आपको निकालना है ए से बी, देन बी से सी, सी से ए तथा पूरे चक्र में कार, ओके। आइए हम देखिए इसको फिर से शुरू करते हैं, कह रहा है ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए, उसके बाद पूरे चक्र में किया गया कार। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन, डब्ल्यू ए बी वर्क, ए से बी, ए से बी लाइन कैसी स्ट्रेट, मैंने बताया सीधी लाइन है, डैट मीन्स के आयतन में कमी हो रही है, सॉरी इसका आयतन आपका क्या है, आपका स्थिर है, ठीक, क्योंकि आयतन इसका आपका ये स्थिर है तो अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो। यहां लिख देंगे आयतन स्थिर है, ओके। आइए आयतन स्थिर है, अब हम बात करते हैं, लिखेंगे डब्ल्यू बी सी, निकालना बी सी, अब देखिए बी सी का है डैश डैश, पहले बी को ये मिला देंगे डैश डैश और सी को ये, जिसके बीच हमको वर्क निकालना है हम उसको क्या करते हैं डैश डैश करके मिला देते हैं, ठीक। बी से सी डैश डैश ये मिला दिया, ये आपका पार्ट क्या आपका बन गया है, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डैट मीन रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ
कितनी है, जहाँ पर इसके दोनों पैर पड़ रहे हों। 20 में से 5 दिया, कितना बचेगा? 15 इंटू ब्रेथ कितनी है, ये पार्ट, दिस ये पार्ट, 10। 10 में 0 जाएगा, 10 ही बचेगा, 150 जूल, राइट। अब हम निकालते हैं सी से ए, डब्ल्यू सी ए, फिर देखिए आइए शू करते हैं इसको। सी से ए क्या हो जाएगा, सी मिला दिया और पूरा ए से यहां तक मिला दिया। अब ध्यान रखिएगा ये फिगर हमारा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, यानी समांतर चतुर्भुज, सॉरी समलंब, ओके, क्या बन रहा है, समलंब, समांतर नहीं समलंब। समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि समांतर भुजाओं का योग गुण उनके बीच की दूरी बटे 2। समलंब चतुर्भुज है, ठीक, कितना होता है कि एस, ये समांतर भुजाओं का योग गुण उनके बीच की दूरी बटे 2, ओके। तो आइए हम इसको देखते हैं, समलंब चतुर्भुज के लिए डायगोनल ए प्लस बी अपान 2 इंटू डी, समांतर भुजाओं का योग गुण उनके बीच की दूरी बटे 2, किसका है, समलंब चतुर्भुज। एक साइड ये हो गई कितनी है, 10, सॉरी आपको सी से ए है तो एक साइड पूरी कहा, ए तक कहां हो गई, 40 है, तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणनफल के बीच की दूरी बटे 2, जहां ए और बी दोनों ही आपकी समांतर भुजाएं हैं, डी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, पूरी 0 से यहां तक 40। दूसरी भुजा सी वाली, दैट मीन्स दिस, ये पार्ट, ये ना ए, यानी कितनी हो जाएगी, 10 अपॉन 2 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, सी ये आया हुआ है और ए आया नीचे, 20 में से 5 गया 15, ओके, 40 10 कितना हो गया, 50 अपॉन 2 इंटू 15 कितना आएगा, 25 इंटू 15, ओके। दैट मीन्स ये आपका हो गया कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, 15 5 75 भाई 15 5 75 7 आया, 15 2 30 कितना होगा, 37। अब इसमें देखिए चूंकि कह रहा था सी से ए, इसमें क्या हो रहा है कि इसके आयतन में कमी हो रही है, तो अतः आंसर कर देंगे डब्ल्यू जल टू हो जाएगा -375, ओके। अब इसके बाद है कह रहा था कि निकालना आपको पूरे चक्र में कार, ओके, हमको निकालना है पूरे चक्र में। अगर पूरे चक्र में हमको निकालना है तो हम देखिए इसको करेंगे, यहां लिखेंगे पूरे चक्र में कार्य, पूरे चक्र में सबसे मेन चीज है हमारे पास आ चुका है, डब्ल्यू ए बी कितना था, 0, डब्ल्यू बी सी कितना आ चुका था हमारे पास, 150, और डब्ल्यू सी ए कितना था, -375, ये ना, ये आपका आया था 375, ये आया था 150, आया था 0, तो टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए, ये ना, 0, 150 और ये कितना है, 1 2 3, ठीक निकल आया, माइनस 375, डेट मीन्स होगा -275। आर कर सकते हैं कि डब्ल्यू जल टू हो गया 275 जूल का, ओके। देखिए इसको एक बार चेक कर लें, इसको सबट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा कितना, ये यहाँ पे आएगा 225 हो गया, सबट्रैक्ट करने पे 375 में से 150 घटाइए तो बचेगा 225, ठीक, कितना आपका आएगा, 225। अब यहाँ पर आपका माइनस आ रहा था तो इसको लिख देंगे 225, यहाँ लिख देंगे गैस पर कार, गैस पर, ओके, ये आपका हो रहा है कि इतना हो रहा गैस पर कार हो रहा है, 225 जूल, ठीक।
मतलब देखिए एक ये क्वेश्चन फिर आ गया है, ये फिगर बना हुआ है और कह रहा है इसमें आपको निकालना है पूरे चक्र में कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक फिगर बना हुआ है डी ई एफ, निकालना क्या है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है डी से चले ई एफ होते हुए वापस आ गए डी पर, ये ना। तो ये पूरा चक्र बन के आ रहा है, क्या बन रहा है आपका कहेंगे ट्रेंगल। तो इट मीन्स क्या करेंगे, ट्रेंगल का लगा देंगे एरिया का फॉर्मूला। ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ना। तो आइए शुरू करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन कर दीजिए वर्क डन कितना पूरे चक्र में, एक बटे दो इंटू बेस इंटू हाइट कर दें। बेस कितना है आपका आधार, इसको देखिए ये कर दे डैश और ये कर दे डैश। अगर नहीं पता है तो निकालने का तरीका 5.0 2.0, डैट मीन्स ये आपका 5 है, ये कितना है 2, 5 में से 2 गए 3 हाइट, डैट डैश ये मिला दें और ये डैट डैश, ये ना। डैट में 600 में से 300 हो गया, कितना बचेगा 300, या कर दें 2 से करिए कैंसिल, कितना का 150 हो गया, 3 इंटू 150 डैट में हो गया 400 जूल, यह आ गया 450 जूल कार्य। तो बच्चों आपने देखा कि अगर ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको देखना है कि ग्राफ क्या बन रहा है, या तो बनेगा रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रेपेजियम या केवल ट्रायंगल है, जो भी बन रहा है हमको इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। जैसा कि आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे दो, त्रिभुज है तो इसके लिए होगा एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई। आप जब सब चीजें आपको मालूम होंगी तो निम्नकल खुद ब खुद ये निकल कर आएगा, इसलिए आज ही इसके क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मस्ट है। और ये आपके अभी से लेकर आगे तक भी आपको उसको काम आएगा फॉर फ्यूचर, कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ है उसको पेंसिल से नीचे तक उसको ड्रा करिए बेस तक, और इधर बेस को ड्रा करिए इसकी वाल तक, फिर देखिए इसका फिगर क्या बन रहा है, इसकी रीडिंग इससे मेज़र कर लें। और रीडिंग मेज़र करने के बाद कैसे मेज़र करेंगे, जहाँ पे दोनों पैर पड़ रहे हैं दोनों पैरों का डिफरेंस, ये ना। इसी तरह से सेम जहाँ पर दो पॉइंट टच हो रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, ये हमारा हो जाता है दैट इज नीचे का और ये हो गया हमारा दिस, राइट। अब उसके बाद है कि अगर आपका करा गैस पर तो डेट मीन आंसर क्या हो गया, आपका माइनस हो गया। मैंने कहा एक सीधी लाइन में है तो वहां पर देखिएगा चूंकि आयतन वहां पे स्थिर रहता है अतः वहां पे आंसर कितना हो जाता है जीरो। उसके बाद पूरे चक्र में निकालने का, एक तो या तो पूरे चक्र का फिगर देख लीजिए या अलग अलग उसको निकाल के जैसा कह रहा है ए से बी फिर बी से सी सी से डी, इस तरह अलग अलग निकाल के सबको ऐड कर दीजिए तब भी आंसर उतना ही आएगा पूरे चक्र यानी होल साइकिल का। एक तरीका तो ये कि आपने देख लिया डी ई डी ई एफ फिर डी आ गए, ये आपका क्या बन रहा है ये, या एक चक्र है कि आप निकाल लें डी से ई फिर ई से एफ फिर ई से डी, ऐसे आप निकाल लें फिर सबको ऐड कर दें जो आएगा वो भी उतना ही आंसर आएगा, ठीक। इसलिए बुक ओपन करिए, डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।